वेलकम बैक। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है राजस्थान रोजगार से जुड़े इस आपके चैनल पर। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक लेटेस्ट अपडेट। जी हां, राजस्थान में आ रही है नई भर्ती, अब होगी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती। खबर जो रखे आपको सबसे आगे, आप भी बन सकते हैं राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक। पूरी खबर जानने के लिए जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। सबसे पहले हम आपको बता दें कि राज्य में 14,000 स्कूल हैं, लेकिन उनमें एक में भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। इसको लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट ने कल राज्य सरकार को फटकार लगाई है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राज्य के 14,000 स्कूलों में नहीं है कंप्यूटर शिक्षक। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। हाई कोर्ट ने की मौखिक टिप्पणी, कहा RSCIT कोर्स है केवल कार्य करने के लिए ना कि पढ़ाने के लिए। बिना कंप्यूटर शिक्षकों के छात्रों को कैसे होगा कंप्यूटर का ज्ञान। कंप्यूटर टीचर्स के लिए निर्धारित योग्यता की भी की मांग। अब शनिवार को होगी मामले की अगली सुनवाई। जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ में हुई सुनवाई। तो फ्रेंड्स, इसके चलते हुए राज्य सरकार सुनने में आ रहा है जल्दी ही कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती निकालने वाली है, इसकी एग्जाम भी करवा सकती है, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखने वाली है अभी तक इसका तय नहीं हुआ है, जल्दी ही तय होने वाला है, तो हम आपको सबसे पहले अपडेट करा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जल्दी ही राजस्थान सरकार में आ सकती है आपके लिए बड़ी वैकेंसी। और अगर आपका नहीं किया हुआ है तो हम आपको कहना चाहते हैं कि अभी आप कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लीजिए, जिसके तहत आप भी इसके लिए क्वालिफाई हो और आप लग जाएं राजस्थान सरकार में कंप्यूटर शिक्षक। अगर फ्रेंड्स आप हमारे पर विश्वास रखते हैं तो हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि आपको एक कंप्यूटर का कोर्स कर लेना चाहिए। 12 महीने के अंदर आपका कोर्स हो जाएगा, और जब भी ये वैकेंसी, अभी ये विचाराधीन है, हो सकता है 3-4 महीने बाद में इसकी विज्ञप्ति आए, तो तब तक आप आराम से अपना कोर्स कर लेंगे और आप क्वालिफाई हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए, और ज़्यादा इस वैकेंसी में भीड़ भी नहीं होगी। बहुत कम छात्रों को ये मालूम है। तो फ्रेंड्स, ये थी बिग अपडेट राजस्थान रोजगार से जुड़ी हुई। अभी तक के लिए बस इतना ही, जब भी लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।